दिल्ली में बाढ़ के खतरे को देखते हुए पुरानी दिल्ली के लोहे वाले पुल को बंद कर दिया गया है। लोहे के पुल से जी मीडिया संवाददाता पीयूष शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के हथनी कुंज बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका असर दिल्ली में यमुना के स्तर पर देखने के लिए मिल रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं रेलवे ब्रिज के पास। आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना का जो स्तर है वो ऑलरेडी जो खतरे का निशान है उसे पार कर चुका है। खतरे का निशान 205.33 मीटर पर रहता है, जबकि इस वक्त जो यमुना का स्तर है वो 205.90 पर पहुंच चुका है, 206 के बहुत करीब है। खतरे का निशान जैसे ही पार हो चुका है, इसकी पहले से ही तैयारी की जा रही थी, पहले से ही काफी अलर्ट सिचुएशन थी यमुना के स्तर को लेकर, बाढ़ के खतरे को लेकर, जिसके चलते यमुना के लो लाइंग एरिया से, दिल्ली एनसीआर में सभी लो लाइंग एरिया से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया था, टेंटों में लोगों को कर दिया गया था शिफ्ट, और अभी तक करीब 24,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पीयूषा इस वक्त हमारे साथ है। पीयूषा, दिल्ली में यमुना के खासतौर से जो निचले इलाके हैं वहां पर हजारों की संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, उन्हें शिफ्ट किया गया है। आज सुबह के अगर ताजा हालात की बात करें तो स्थिति क्या है? जैसा कि विशाल आपने बताया कि हजारों लोगों को, तो मैं आपको बता दूं कि करीब 24,000 ऐसे लोग हैं जिनको यमुना के लो लाइंग एरिया से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। इसके लिए 1100 से ज्यादा टेंट्स का पूरा इंतजाम किया गया है। और आपको अगर मैं ताजा हालत बताऊं तो इस वक्त जो यमुना का स्तर है वो खतरे के निशान को ऑलरेडी पार कर चुका है। जो खतरे का निशान होता है वो 205.33 मीटर पर होता है, और अब ये खतरे का निशान पार होकर इस वक्त जो यमुना का स्तर है वो 205.94 तक पहुंच गया, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको अगर ताजा तस्वीरें दिखाऊं तो हम लोग इस वक्त निगमबोध घाट पर हैं, और आप देखिए पूरी तरह से घाट पानी के साथ बह रहा है। आप देखिए यहाँ पर लोग किस तरह से घुटनों तक पानी उनके यहाँ पर है, और जो बैठने की यहाँ पर जगहें होती हैं वहां तक पानी भर चुका है। ये कुछ लोग यहाँ पर है, इनसे भी हम एक बार बात करके देखते हैं कि सुनिए, आपका क्या नाम है? आपका राजू। राजू जी, यहाँ पर आप यहीं पर रहते हैं? जी यहीं रहते हैं। तो पानी इसी तरह से यहाँ तक आ जाता है क्या पर? जी हाँ, कल भी पानी इतना चढ़ा, कल से पानी इतना यहाँ पे आ चुका। कब से आया यहाँ? कल से। तो जिस तरह से लोग भी बता रहे हैं कि कल से पानी यहाँ तक आया, उससे पहले स्तर कम था, अब जो स्तर है वो इतना बढ़ चुका है कि पूरी तरह से, जो देख रहे हैं आप, घाट पूरी तरह से पानी से भर चुका है। और जैसा कि मैंने बताया कि 8 लाख क्यूसेक कल तक पानी छोड़ा गया था, उसके बाद 1,80,000 करीब क्यूसेक पानी फिर दोबारा कल हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया, जिसके चलते यमुना का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और खतरे के संकेत भी बढ़ते चले जा रहे हैं। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यमुना का जलस्तर बढ़ने से जो निचले इलाके हैं वहां से हजारों की संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। फिलहाल स्थिति क्या है यह आपने तस्वीरों में देखा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।